नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिविजन। राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए। इसे लेकर अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। इसके बाद आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी। सिर्फ सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित किया गया है। इस पेपर को 4 लाख छात्र देने वाले थे। अभी एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन के कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद है। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा के जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया कि मंगलवार को यहां एक दिन में 3,70,00,000 केसेस सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केस ही बताए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24,80,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके पहले जनवरी में एक दिन में 40,00,000 कोरोना मरीज मिले थे। चीन में फैल रहा BF.7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 51 देशों में फैल गया है। स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार यह वेरिएंट पिछले 2 सालों से है। हालांकि यह खतरनाक अब हुआ है। चीन के बाद जापान में सबसे ज्यादा कोरोना मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वर्ल्ड मीटर्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,73,000 नए केस आए हैं। वहीं 315 लोगों की मौत हुई है। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को CBI ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। वीडियोकॉन ग्रुप को रेगुलेशन के खिलाफ जाकर दिए गए करोड़ों रुपए के लोन के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। जब ये लोन दिए गए थे उस समय चंदा बैंक में CEO और MD के पद पर थी। इन लोन्स के NPA होने से बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कोचर परिवार को एजेंसी हेडक्वार्टर बुलाया गया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। CBI ने आरोप लगाया है कि वे अपने जवाबों में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। कोचर को शनिवार को CBI की मुंबई स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को अहम फैसले किए। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना दिसंबर 2023 तक और बढ़ा दी गई है। इस पर करीब 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अभी 51.35 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। साथ ही कैबिनेट ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी भी दी है। हालांकि जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ली है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इससे केंद्र सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मार्च 2020 से लागू योजना को 7 चरणों में बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले सितंबर में इसे 3 महीने बढ़ाया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पर पहुंच गई है। यहां राहुल देश को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात TV पर कभी नहीं दिखाते हैं। हमारी बात ना उठाए तो ठीक है, लेकिन इनके चैनल भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 घंटा। ये हिंदू मुस्लिम
देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा ने 19 नवंबर को अमेरिका के लॉस एंजलिस में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसके एक महीने बाद वे शनिवार को मुंबई लौट आई। उनके रेजिडेंस करुणा सिंधु में कल विशेष कार्यक्रम और पूजा होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में ईशा और उनके दोनों बच्चों का स्वागत करने के लिए देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों से कई पंडित आएंगे। अंबानी परिवार ने ईशा के घर पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। इसमें अंबानी परिवार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सलामती के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मांगेंगे। पूजा के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर, नाथ द्वार के श्री नाथ जी मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर समेत कई मंदिरों से प्रसाद मंगाया गया है। इस मौके पर अंबानी परिवार 300 किलो सोना दान करेगा। भोजन प्रसादी के लिए दुनिया भर से केटर्स बुलाए गए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक सप्ताह पहले ही शुक्रवार को समाप्त हो गया। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई थी। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, इसे 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BSE की बैठक में सबकी मंजूरी से सत्र जल्दी खत्म करने का फैसला लिया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 9 बिल पास हुए। तवांग झड़प को लेकर विपक्ष सरकार से बहस की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से मिले डेटा के मुताबिक 2020 में हुए बजट सत्र से लेकर अब तक के सभी संसद सत्र तय समय से पहले समाप्त हो गए। 6 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया शीतकालीन सत्र लगातार 8वां सत्र है जिसकी अवधि कम की गई। बिहार के मोतिहारी में हुए चिमनी हादसे में मरने वाले की संख्या 9 तक पहुंच गई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर नरीरगिर चौक के पास ईंट भट्टा में आग लगने के बाद उसके चिमनी में जबरदस्त धमाका हुआ था, जिसके बाद वह नीचे गिर गया। चिमनी के दबने से 9 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 15 लोग जख्मी हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर है। घायलों का रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लोगों की भीड़ वहां दबे लोगों की तलाश में मलबे के सामने जुटी हुई है। लोग इस उम्मीद में मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी की जिंदगी बचाई जा सके। बायजूस अब स्टूडेंट्स को साइन अप करने से पहले उनके पेरेंट्स का टेस्ट लेगा। इससे उनका फाइनेंशियल स्टेटस पता लगा लिया जाएगा और उसी के हिसाब से बच्चों की फीस तय की जाएगी। यह आरोप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लगाए हैं। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि जो बच्चे बायजूस के तहत ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पेरेंट्स को बायजूस का अफोर्डेबिलिटी टेस्ट देना होगा। NCPCR को शिकायत मिली थी कि बायजूस बच्चों के फोन नंबर खरीद रही है और उनके पेरेंट्स को धमकी दे रही है कि अगर उन्होंने कोर्स नहीं खरीदा तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कानूनगो ने बताया कि बायजूस जल्द ही अफोर्डेबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेगा। कानूनगो के अनुसार इस तरह बच्चों को परेशान करना गलत है। ये टेस्ट उन पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ाएगा जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, क्योंकि वे खराब आर्थिक स्थिति के चलते बायजूस का कोर्स नहीं खरीद सकेंगे। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।